नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। और पिछले व्लॉग में आपने देखा कि आदि बद्री के पास स्नान करने के बाद हम बढ़ रहे थे आगे। आज रुकने वाले हैं गौचर, तो बस लग रही है बहुत जोरों की भूख। सो हमने रोक लिया है अपनी कैंपर वैन को एक स्थान पे, यहाँ पर कुछ बनाते हैं गर्मा गर्म और फिर यहाँ से आगे बढ़ के आज रात्रि में रुकेंगे गौचर। तो अभी हमने रास्ते में एक छोटा सा हॉल्ट लिया, देखिए कितनी वापस सुंदर, तो अब सौंदर्य तो क्या कहें, बस यहाँ पर तो जहाँ जाओ वहाँ पर ही सौंदर्य है। यहाँ पर हमने रोका है, मैडम बची है नहाने के लिए, शेष हम सब ने स्नान कर लिया है। नीचे इतनी सुंदर खूबसूरत वादियाँ हैं, जस्ट रोड साइड थोड़ा सा सेफर स्थान पे हमने अपनी कैंपर वैन को पार्क कर लिया है। मौसम तो रिमझिम बारिश हो रही है तो अच्छी लग रही है। और तुम क्या देख रही हो, हाँ पानी देख रही हो, कहाँ से आ रहा है फिर क्या देख रही हो? अच्छा अभी लगा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है ना, ये भी जगह देखो, ये ना छेद है देखो, ये देखिए है ना, ये सब तो यहाँ से भी आते होंगे ये पानी, पुट्टी भर के एमसी। ये देखो, अरे ये अपन ने ध्यान नहीं दिया, देखो ये भी छेद छेद है, यहाँ से भी हो सकता है पानी आता हो। ओह करेंगे लॉक करेंगे। तो क्या हो रहा है, हमारी गाड़ी पहली बार बरसात में टेस्ट हो रही है, तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, ये पता नहीं क्या देख रही है। सो ये थी जी इस जगह का सौंदर्य। अब मैं कर लेता हूँ अपना थोड़ा सा एडिट, शेष सब लोग अपना अपना काम करेंगे, भोजन बनाएंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बज गए 4:30, हमारा एडिट भी पूरा हो गया, भोजन भी पूरा हो गया, यानी कि जिन सब चीजों के लिए हम यहाँ रुके थे वो सब पूर्ण हो गई। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, आज रुकेंगे गौचर, हमारे आप ही की तरह एक सब्सक्राइबर हैं उनके घर। तो इस प्रकार से हम पहुंच गए गौचर, जो कि एक पर्याप्त बड़ा कस्बा है, मतलब आबादी वाला क्षेत्र है। और यहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं राहुल भाई, जिनके साथ आप मुझे देख रहे हैं, सो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। और आज हम मतलब अर्बन एरिया में गाड़ी को पार्क, कैंपर वैन को पार्क करके रुकने में और रूरल एरिया में बहुत फ़र्क होता है। सो यूं ही रोड साइड हम अपनी कैंपर वैन को पार्क करके आज यहाँ और या फिर एक दिन और यहाँ रुकने वाले हैं। हेलो गौरी, कैसी हो? बहुत देर से वेट कर रहे थे। अरे आपका वेट कर रहे थे। खुश रहो, ये पकड़ना। अंकल जी पर जी खुश रहिए जी। और आंटी कैसे हैं? भाभी नहीं आई? वो एक्चुअली बच्चा भी दो तीन महीने का है ना, उसके चक्कर में। तो जी यहाँ पहुँचने के बाद शाम हो चुकी है, देखिए घड़ी में बज रहे हैं 7:45, यानी कि हमारा प्रीमियर होने वाला है। और इधर माता जी का भोजन, राहुल भाई की माता जी वाह, और श्रीमती जी बना रही हैं पराठे। और हमें आज बिजली मिल गई है तो चल रहा है यहाँ पर एसी, क्या बात है। तो आनंद है माता जी, कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, कोई कहता हमारे घर आइए तो हम बोलते हैं हमारे घर आइए। अच्छा घर बना रखा आपने, बहुत अच्छा। जी जी जी। सो इस प्रकार शाम को गौचर पहुंचकर रात्रि भोजन बना के हमारा दिन हुआ पूर्ण। और इस स्थान पे हमारी अगली सुबह कुछ यूं हुई। हम गौचर में फिलहाल रुके हैं एकदम रोड साइड, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे उनके यहाँ पर आए थे, सो
उनका एक रेस्ट हाउस जैसा भी सेटअप है, तो उसके बिल्कुल सामने हमने अपनी कैंपर वैन लगा ली थी और उनसे ले लिया था बिजली का कनेक्शन। सो कल हमारा एसी भी फंक्शनल था, सो इजी रहे, मतलब अब थोड़े से लोअर ऑल्टीट्यूड पे आ गए तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और शेष तो आनंद है, आज का पूरा दिन हम यहीं रुकने वाले हैं। अपनी सातवें का आज स्कूल जाने वाले हैं, सो उन्हीं का स्कूल है एक, तो वहां जाएंगे और बाकी सब तो है ही। खैर बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, बताते हैं कि आज की हमारी पूरी दिनचर्या में हमने क्या क्या किया। तो अभी हम निकल रहे हैं बस मॉर्निंग वॉक के लिए। ये यहाँ पर एक स्टेडियम है और ऊपर देखिए कितने सुंदर बादल छाए हैं। वाह, मैडम का इंतजार कर रहे हैं, अपनी मैडम नहा रही हैं अंदर, बच्चे सब स्कूल जाने की तैयारी में, सात्विक अपनी भी आज स्कूल जाने वाले हैं, सो वो भी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। क्या समाचार? हाँ हाँ चल रहे हैं। चुनाली बुच्चू आज स्कूल जा रही है, किसी और के ना क्यों नहीं रहे? कोई बात नहीं, सब अपना ही होता है, पढ़ाई से मतलब है, किसी के स्कूल जाओ। चलो 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 चलो, पानी आ रहा है? नहीं, वो गंदा ही आ रहा है पानी, बरसात है ना। तो अपनी भैया को उठा देना। चलिए जी हम चलते मॉर्निंग वॉक पे। कितना बड़ा स्टेडियम है, अक्सर मतलब पहाड़ों में तो इतना बड़ा प्लेन ग्राउंड मिलना बहुत ही मुश्किल है। और अभी हम जिस हिस्से में हैं, देखिए कितना सुंदर ऊपर का नजारा दिखाई दे रहा है। वाह, और थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, क्या बात है। तो ये हो गई जी हमारी छोटी मोटी हल्की फुल्की सी वॉक, अब तैयार करना है। यहाँ तो ना ऐसा ही लग रहा है कि शहर में ही आ गए पूरा। हाँ स्कूल जा रहे हैं। हाँ पुच्चू तैयार हो गई स्कूल के लिए। हाँ, बस एक चीज होती है। लो लो गाय माता की रोटी। अच्छा दादी तो कहाँ रख दी तुमने? और आज तो पुच्चू टिफिन भी लेके जाएगी। क्या लेके जा रहा है? असली का स्कूल जा रहा पड़ रहा है, वो भी कैंपिंग में। कैंपिंग में क्या लेके जा रहे हैं टिफिन में आज? हम लेके जा रहे हैं पनीर की सब्जी, उसके साथ अचार और पराठे। वाह वाह वाह, पेट भर के जा रही है। दप्पू के पराठे दे दो। नहीं, दप्पू को पूरे पेट खाली करके जाओ। नहीं नहीं, कल रात को पेट दुखा था ना। पनीर की सब्जी कैसी लग रही है? अलग अलग टिफिन रख लेते बड़ा देख के लगेगी। पराठे इतने सही है, बड़ा हो चाहे छोटा हो। चलो बैग टांगो बैग टांगो बैग टांगो। आज बैग का बोझ थोड़ा हल्का होगा, बस रफ कॉपी है। तुम्हारी चेन बंद है? तो ये बताओ, ये भी है। देखो मेरे खुली। और ये ध्यान रख लेना चेन बंद करते रहना। बंद कर, टॉयलेट करने के बाद तुरंत ऊपर चढ़ानी है। मैं टॉयलेट इससे करता ही नहीं हूँ, सीधा पैंट नीचे। बहुत बढ़िया बात है, इतने विस्तार पूर्वक बताने की कोई जरूरत नहीं साथ में। चलिए अरे बाय बाय, कहाँ चल रहे? मम्मा भी चल रही है। तो मम्मा भी चल रही है। हाँ चलिए। अच्छा, चलिए जूते नहीं पहने? जूते पहनो अपनी जल्दी। ये हम पहुंच गए विद्यालय। माता
एक्चुअली ये राहुल भाई का खुद का विद्यालय है, उनकी श्रीमती जी इसको चलाती हैं और उनकी बेटी गौरी भी यहीं पढ़ती है, सात्विक भी उसी की क्लास में, फोर्थ क्लास में। सो गौरी ले आई दोनों को अपनी क्लास में और फिर अब कुछ घंटे वो यहीं बिताने वाले हैं। बच्चों को छोड़ने के बाद अब हमें लेनी थी कुछ ग्रोसरी, सो हम पहुंच गए एक किराना स्टोर पे। दूध तो रहने दो, दूध तो अपना टट रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा दिन के बज रहे हैं 11:30 और जो घर की सब चीजें वही शुरू हो चुकी हैं। मैं एक बार इस वीडियो को पॉज करता हूँ और यहाँ पर राइस कुकर में फिलहाल बन रही है दाल। मैडम के कोटे में आज आए हैं बर्तन, तो आज हम अंदर का सिंक, मतलब अभी आए हैं, सॉरी गलती हो गई, अभी बर्तन आए हैं, मतलब इस प्रहर में इनके कोटे में बर्तन आए, सो ये बर्तन साफ कर रही है। बाहर का आज पेंट्री, मतलब आज बाहर का जो किचन सेटअप है वो खुल नहीं पाया क्योंकि एकदम रोड साइड, तो क्या ही खुलेगा। और फिलहाल हम देख रहे हैं हिमाचली कपल, ये बढ़िया हो गया भाई, इसको सेट करेंगे। वाह, और माता जी अभी विश्राम कर रही हैं और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं अभी आएंगे तो खाना बना दे उनको दाना पानी। हाँ तो बढ़िया, बनाइए बनाइए दाल चावल, खाके गए हैं लेके गए हैं आके फिर खाएंगे, यही जीवन है जी, यही जीवन है। सो हमारे गर्मा गर्म चावल एकदम रेडी हो चुके हैं और इतने अच्छे मौसम में, मतलब मौसम एसी से अच्छा हो गया और इतना बढ़िया खाना मिल जाए। सात्विक अपनी फिलहाल स्कूल गए हुए हैं, सो वो आएंगे तो वो भी भूखे, मतलब हमारे लिए भी आज थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है। एकदम इजी है, बहुत दिनों बाद बच्चे नहीं हैं, स्कूल गए हुए हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं, बस खाते हैं उसके बाद मैं निपटाता हूँ मेरा एडिट और फिर पूरे करेंगे आज के शेष काम। हेलो, क्या पढ़ाई करके आए? आज राइटिंग पे मेरी पापा की मीटिंग है। ओह, क्लैपिंग क्लैपिंग, वाह वाह, यहाँ पे एक बोतल पहले से रखी हुई है हमारे लिए, वहाँ पे गिफ्ट पे गिफ्ट। अच्छा, क्या गिफ्ट पे गिफ्ट? आपको माजा भी है। माजा? अरे माजा की जगह मंजा बोलते थे हम। अब नहीं गए, अब नहीं, वहाँ गए। गौरी, गौरी भी वहीं पे है, बुलाओ। देखो देखो तहस नहस मत करना, घर देखो जितना साफ है उसको उतना ही साफ करना। पंखा बंद कर दो थोड़ी देर। सात्विक आप इधर आइए, आइए भाभी, स्वागतम हमारे हमारे घर में। ना अरे हम काहे के सर, हमारे घर में आपका स्वागत है। अपनी गेट बंद करिएगा गौरी को लेकर अंदर। नहीं अभी तो नहीं, गौरी गेट बंद कर लीजिए, मक्खियाँ देंगे, मक्खियाँ देंगे, बस आ जाइए। और एक का नाम विवेक। अच्छा। पापा का नाम तुमने बोला है? क्या पूरा? मेरे पापा का नाम भी विवेक। देखो कितने भूखे हैं, कितना काम करके आए। सीधा पढ़ाई देनी नहीं, तो तुम दो पराठे लेके गई थी। नहीं, क्या दो ही लेके गई थी बस। हाँ, तो दो ही लेके जा, तीन लेके, दो खाके गई, दो लेके गई और अभी भी, मतलब सुबह से 8 बजे से ये अभी इधर एक खा गई थी, चार पराठे खा चुकी हो तुम। चार पराठे क्या, इतनी देर में तो लंच होता है, कुछ नहीं रहते। अच्छा, अभी ये स्कूल में आई थी है ना, एक पीरियड पूरा हो ही रहा था, जब वो पूरा हो गया लंच लग गया, बस उसने खा लिए दो पराठे, चट कर लिए। हाँ? फिर लग गई इसको भूख, फिर बोलती रही होगी बराबर। नहीं, पचर पचर करते करते फिर पचा लिया होगा। वो तो मैंने इसको रोका था सुबह भी, ये दो से ज्यादा खड़े जा रही थी।
पेटू 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 तो जी हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नेटवर्क 18 का जो डिजिटल विभाग संभालती हैं ऐसा सोनी जी आई हैं हमारे कैंपर वैन में। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो उनको पिलाई जा रही है गर्मा गर्म चाय। हमें तो आप इससे ये तो समझ ही गए होंगे कि कारवां भारत अब बहुत ही जल्दी न्यूज 18 पे आने वाला है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो इस प्रकार पत्रकार महोदया को हमने अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताया और रात को हम भोजन करने कहाँ गए ये आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। वैन लाइफ के अपने डेली रूटीन के साथ हम यूं ही आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। शीघ्र मिलेंगे, नमस्कार।